ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। मंगदा सुख है, कर्म ओ करदा जे तो दुख निकल दे, दुख निकल दे। मंगदा सुख है, हर एक दी मंग सुख, पर कौन दसे सुख दे बीज ने। ए रखवाद न कीजे रे मन, सुकरत कर कर लीजे रे मन। भगत कबीर, शुभ कर्म करके तू सब कुछ प्राप्त कर। मंगदा सुख है, बीज दा दुख है। कर्म ओ करदा जिन्ना बीजा चो सिवाय दुख दे होर कुछ भी नहीं निकलता, ते मंगदा सुख है। करीबन करीबन मंग ते सारियां दी ठीक है, कर्म ठीक नहीं है। इस वास्ते सत्संग, इस वास्ते बंदे दे कर्म ठीक हो जाए, बस इन्नी गल। सत्संग इस वास्ते। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करदे ने, ये झूठ दी मुट्ठी होई, ए माया दी मुट्ठी होई, कर्मा दे विधाते नू नहीं जानदी। जिसने कर्मा दा विधान लिखया, जिसने कर्मा दा विधान बनाया, जो तू करेगा भोगेगा। कर्मी कर्मी होए विचार। फिर गजब दी गल है, जमीन दे उते अंब दा बूटा लाया प्यो ने, खांदा पुत्र पिया पोतरा, बीज दा कोई है वड़दा कोई है। लेकिन जीवन विच नियम कुछ हो रहा है, इत्थे ते आप बीज आपे ही खाना, अपना बीजा आप ही खाना पैंदा। ये भी मैं कर दें, बाहर ते ऐसा हो सकता है मैं बीजा खावे कोई होर, बूटा मैं लाया सी। मैं गालबन सन 52-53 दे ब्यंगम दी तरह बाबा बलवंत सिंह उन्हां नाल रहिंदा सी। बुरला जिथे हीरा कुद डैम बनया, कोई गालबन एक साल मैं उत्थे रहा, ते मैं किधरे अंब ते अमरूद दे दो बूटे लाए सन। 25 सालां बाद गए शुगल जी भी नाल, सारे नाल। उत्थों दियां संगतां कहने, थोड़ा बूटा लाया होया अंब, ऐ बड़े अंब लगे ने, ऐ तुसी बूटे लाए सन अमरूदां दे, मैनू याद भी नहीं सन। मैं कह लाए ते सन, उन्हां दी याद नाल मैनू याद आई गा। लैंदे सन बूटे, मैं संबलपुर तो उचेचा ते लगाए सन। कहण लगे बड़े स्वादी अंब ने, मैनू कहण लगे देसी अंब का बूटा सी, देसी बड़ा वड्डा होया और अंब भी बड़े देवे। उत्थे मैनू ख्याल आवे, बूटा कोई लावे खावे कोई। बाहर ते ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जीवन विच ऐसा नहीं होंदा। आप बीज आपे ही खा, मैं जो बीजे है मैं खावांगा, मेरे भरा ने जो बीजे है वो खावेगा, मेरे पिता ने जो बीजे है वो खावेगा। आप बीज आपे ही खाए, प्रभु ने नियम बनाया है। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, ना कोय ना पकड़िए किसे था। एक दी थां ते दूजा नहीं पकड़िया जांदा, नहीं पकड़िया जांदा, ओही कसूरवार है। अगर जीवन विच दुख प्रगट हो रहे ने, एक गलत समझ लेनी चाहिए, बीज कुछ गलत बोए जा रहे, बीज ठीक नहीं बोए जा रहे। गुरु अमरदास जी महाराज फरमान कर देने, ए जीव स्त्री उस कर्म विधाते नो समझ, वो कर्मां दे विधाता है, विधान बनाने वाला है,
उन्हें ही विधान बनाया है, जेहा बीजे सो लोणे कर्मा संदड़ा खेत, जो बीजेंगी वही खाएंगे। उस विधाते ने नियम बनाया है। इस वास्ते अपने दुखां लई कदी किसे नू कसूरवार ना ठहराई, इन्हें मैनू दुख दिता है, उन्हें मैनू दुख दिता है, नहीं तेरे कर्मा ने ही तेनों दुख दिता है। दुख ते बारों मिलेगा ना, पुत्र तो मिलेगा, मित्र तो मिलेगा, किसे होर तो मिलेगा, अगर मिल रहे है मेरे कर्मा मुताबिक, ये भी मैं अर्ज कर दें। और किस तरह मिलेगा ते दुख चोटा ते बारों पहुंचन गया, पर होवेगा कर्म दुख। मैनू बारों हर एक तो सुख मिल रहा है, खेड़ ते कर्मा दी है। कर्म विधाता कर्मा दा विधान लिखण वाला ओ जो विधाता है, हे जीवी स्त्री तू उसका चिंतन कर, उसनों याद कर। हां जी हे कंत दी स्त्री, उस परिपूर्ण परमात्मा दी सेवा करो, भाव चिंतन करो गुरु शब्द दी विचार द्वारा। हां जी सारा संसार उस परिपूर्ण परमात्मा ने आप बनाया है, जेदे च आवना है, जावना है, जन्म है, मरण है। हां जी एक ते ओ आप है, एक उसकी फिर छाया है, छाया ही माया है। महा माई तहां की है छाया, छाया दे थोड़ा जिहा आराम ते हो सकता है। धुप दा सताया होया बंदा छाया च बैठ के आराम ते कर सकता है, थोड़ा जिहा सुख माण सकता है। पर हुण ए आखे छाया नू मैं संदूक दे च पा लवां, भर के रख दें, छाया दियां मैं पंडा बन लवां, ए नहीं हो सकेगा। लोकी छाया नू पकड़न दी कोशिश करदे ने, जवानी है छाया दी तरह इनू पकड़न दी कोशिश करदे ने, संबंध ने छाया दी तरह इसे नू जो है पकड़न दी कोशिश करदे ने। थोड़ा जिहा सुख ते मिलदा है संबंधा तो ठीक है, पर हुण आखो बस छाया वास्ते ही आसी, नहीं दरखत दे फल भी ने। छाया जमीन ते मिलेगी, फल जमीन ते नहीं मिलने। दरख्तां दे फल भावें जमीन ते भी मिल जाए, नाम दा फल जमीन ते नहीं मिलेगा, पर जमीन ते कुछ मिलेगा कि छाया। माया लई कोई उच्ची सुरत करन दी लोड़ नहीं, माया दुष्ट कोल भी होंदी है, वैशिया कोल भी आउंदी है, दुराचारी कोल भी आउंदी है, ठग कोल भी आउंदी है, बेईमान कोल भी आउंदी है। बल्कि ज्यादा वड्डा बेईमान होवे, हो सकदा उहदे कोल बहुत ज्यादा होवे, पापा बाजों होवे ना ही मोया साथ ना जाए। छाया लई कोई जीवन उच्चा करन दी लोड़ नहीं, कोई अमृत वेले उठन दी लोड़ नहीं, कोई जप तप दी लोड़ नहीं। छाया ते जमीन ते मिल जांदी है, छाया ते मूर्खां नूं भी मिल जांदी है, धन ते मूर्खां कोल भी आउंदा है, छाया ते दुराचारी नूं भी मिल सकदी है, धन संपदा ते दुराचारियां कोल भी आउंदी है, मूर्खां कोल भी आउंदी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं। छाया दे पशु भी बैठ सकदे ने, संसार दा कुछ सुख ते पशु भी माणदे ने, ये भी मैं अर्ज कर दिया। कुछ हैन पदार्थ जो उन्हां दे खाजे ने, और इसे तरीके दे नाल कुछ परिवारक संबंध बनदे ने उन्हां दे, कुछ सुख ते दुनियावी ओ भी लैंदे ने। छाया दे ते पशु भी आ जांदे ने, दरख्तां दी छाया विच पशु भी बैठदे ने, संसार दा थोड़ा बहुत सुख ते पशु भी माणदे ने, ये भी मैं अर्ज करदे हां। धुप दा सताया होया सिर्फ बंदा ही दरख्तां दी छां थले नहीं बैठदा, पशु भी बैठदे ने। बवर मुताला करके देखना, पंछी भी बैठदे ने। छाया ते पंछियां नूं भी नसीब है, पशुआं नूं भी नसीब है।
जमीन ते मिल जाएगी, कोई सुरत उच्ची करने की लोड़ नहीं। नाम जमीन ते नहीं मिलेगा, नाम जपया जपाया भी नहीं मिलेगा, नाम किधरों खरीदिया धन नाल भी नहीं मिलेगा। अगर धन नाल भी मिल जाए तो नाम जमीन ते ही मिल गए, कुछ भी करने की लोड़ नहीं। इन्ने पैसे दिते, जपया जपाया, नाम खरीद लो, करा कराया, पाठ खरीद लो। इस तरह ही होंगे, और की है। जपया जपाया लोग नाम खरीदते पे ने, करा कराया लोग पाठ खरीदते पे। आप कर, थोड़ा बहुत कर, कर नहीं सकता तो सुन, ना सुनना है ना करना है, पैसे देने। मैं तो कई शहरों च देखे है, फोन ते अखंड पाठ रखांदे ने, फोन ते हुक्मनामा सुनते ने। हद हो गई, लोगन राम खिलौना जाना, पर चल चल रहा। छाया जमीन ते मिल गई है, इन्हों भी उड़ी के शायद फल भी जमीन ते मिल जाए। दरख्तों के फल मिल जाएंगे, नाम का फल नहीं मिलता, नहीं मिलता। अपने आप न थोड़ा जिहा उच्चा उठाना पेगा। उस परिपूर्ण परमात्मा ने ये जो संसार बनाया, जेदे च आवना है, जावना है, जन्म है, मरण है, इसे दे च गुरु दे शब्द दी विचार द्वारा परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ी जिहा सुरत उच्ची करके नाम रस परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर उसने सानू दिता होया है, ये मौका उसने सानू दिता होया है। इस वास्ते परमात्मा नू दोषी नहीं ठहरा सकते। ते मनुख भुलेखे विच ना रवे, अज तक बड़े अवतार उसने भेजे ने, बड़े धर्म ग्रंथ, बड़ा ज्ञान उसने भेजे। पदार्थ दिसे सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं भेजी, बल्कि जगत की असलियत दिसे अवतार भी भेजे ने, बड़े धर्म ग्रंथ भी भेजे ने, और बुलंद बांग समझांदे रहने। जो धरती दे च बीजदा है उही तेनू वड़ना पैंदा है, जो जीवन दे च बीजेगा उही तेनू प्राप्त होगा। समझांदे रहने, आप बीज आपे ही खाए। पर मनुख चूंकि बार मुखी है, बार दी गल ते मन लैंदा, जेड़ा बीजांगा उही मिलेगा, अंदर दी गल नहीं मनदा। इस वास्ते एक आलम कहिंदा है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है, अजे भी भटक रहा है, अजे भी जो है गल नहीं बनी। गुर शब्द दी विचार द्वारा ये आन जान दा दुख, ये संताप, ये कल कलेश, इस तो बचिया जा सकता है, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा कर्मां दा विधाता है। दूजे छंद सतगुरु इस तरह समझा रहे हैं जी, जो झूठ दे च मुठी हुई है, क्यों मुठी हुई है? ज्ञान तो बिना अज्ञान ने ऐसा कर दिता, अंधेरे ने ऐसा कर दिता। आन जान दा ए जीव रूपी स्त्री दुख भोग रही है, बार बार जमना, बार बार मनना, जन्म हो गया फिर तरह तरह के होर कलेश, फिर सब तो वड्डा दुख मरण दा, बार बार ये भोग रही है ज्ञान तो बिना। क्यों? झूठ ने इसनू ठग लिया है, भाव छाया ने इसनू ठग लिया है, माया ने इसनू ठग लिया। जी शब्द दी विचार तो बिना जीवन अजाई गवाया, और ये ठगी हुई जारो जार रो रही है, क्योंकि पल्ले कुछ भी नहीं सिवाय दुखां दे, और कुछ भी नहीं सिवाय कलेश दे, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, दरअसल अगर रोना भी है, बैराग करना भी है, तो उसका कर जो जगत का जीवन है, महसूस कर मैं उस तो बिछड़ी हुई हाँ, उसकी तलब कर, पर उसनों ते बिसारे है,
जगत दे जीवन नो भुलाया, इस तरह जारो जार रो रही है, दुखी हो रही है। हाँ जी, ये सारा जगत उसने जो है बनाया है, और उस दे च जन्म है, मरण है, आवना है, जावना है, कर्म दे विधान दे मुताबिक। हाँ जी, परिपूर्ण परमात्मा टिके होया है, अमिट है, सच है, ना आउंदा है, ना जाउंदा है, नहचल है, सारा संसार चंचल है, चंचल है, चल रहा है, तो दौड़ना पड़ेगा। हाथ दे उत्ते हाथ रख के जगत दे कुछ भी नहीं मिलता, चंचल है। चंचल दा मतलब चल चल, सब कुछ चल रहा है, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है। इस चलते हुए जगत देचों कुछ प्राप्त करना है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। परमात्मा नहीं चलता, टिके हुए है। उस टिके हुए नाल जुड़ना है ते मन नू टिकाना पड़ेगा। तन नू दौड़ा तेनू पदार्थ मिलन, मन नू टिका तेनू परमात्मा मिले। गलत इतनी, तन नू चंचल कर ताकि तेनू छाया मिले, मन नू नहचल कर ताकि तेनू ओ मिले जिदी ये छाया है, जिस दी ये छाया है। महामाई ताकि है छाया, पर बंदा भुल गया है, तन भी चंचल मन भी चंचल। तो तन भी संसार का हिस्सा रह गया, तो होना ही है, मन भी संसार का हिस्सा बन गया, निरंकार नाल कोई संबंध ना जुड़िया। संसार चंचल है, निरंकार नहचल है, तन चंचल है, और इसका चंचल होना लाजमी है। बैठे बैठे भी तन चल रहा है, अगर एक जवान बैठा रहे, बैठा बैठा भी बुढ़ा हो रहा है, एक बच्चा बैठा रहे, बैठा बैठा भी वो जवान हो जाएगा। कानपुर का एक बच्चा हुण ते गुजर गया, गगन साहब एक साहित्यकार सन, उन्हां दा पाणजा सी, जन्म तो उस दियां लत्तां टेढ़ियां, बाहां टेढ़ियां, गर्दन भी टेढ़ी, गर्दन पिछे मुड़ी हुई सी। शुगल जी ते मैं हर साल उसके कोल जांदे सी, क्योंकि गगन साहब कहिंदे सन तुहानू याद करदा, भावें बोल नहीं सकदा सी, पता नहीं की पुरानी सांझ सी, कहिंदे तुहानू याद करदा। मां बाप उसके इशारे समझ लेंदे सन, गगन साहब समझ लेंदे सन। मैं जानता सी वाकई खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा सी, अद्धा घंटा पौना घंटा मैं उसके कोल बहुत बैठदा सी, इशारे मेरी समझ च आउंदे नहीं सन, जबान तो कुछ बोल नहीं सकदा सी। चूंकि मैं हर साल जानता सी, ते मैं सन 56 तो कानपुर जा रहा, हर साल मेरा नागा नहीं पिया, मेरे देखदिया देखदिया उसका दाड़ा सफेद हो गया, मैं निक्का जिहा बच्चा देखा, पिया पिया भी जवान हो गया, कुर्सी ते पिया पिया बुढ़ा हो गया, चिट्टा दाड़ा हो गया, शरीर चंचल है, पिया पिया भी चल रहे चल रहे चल रहे, चंचल है शरीर, नहचल नहीं है, चल चल है। चूंकि चंचल है तो किधरे पहुंचेगा, किथे पहुंचेगा, शमशान तक पहुंचेगा और किथे पहुंचेगा, मरगढ़ गाड़ तक पहुंचेगा और किथे पहुंचेगा, आज नहीं कल। गोर निमाणी सड करे निघरे आ, घर आओ बाबा फरीद, गौर कबर नू कहंदे ने, ए निमाणी गौर, ए बंदे तेनू आवाजा मार रही है, गौर निमाणी सड करे निघरे आ, घर आओ, सर पर मैं थे आवना, मरणो ना डरे आओ। चंचल है शरीर, चल चल के किथे पहुंचेगा, शमशान तक। लेकिन टिक के मन पहुंचेगा भगवान तक, भगवान न चले। पर जे मन भी चंचल होया तो इसे ही संसार दे भटकदा रहेगा, शमशान तक जाके शरीर खाक हो जाएगा, इस मन नो फिर और शरीर मिल जाएगा, और चोला मिल जाएगा, कर्मा दे मुताबिक और कपड़ा मिल जाएगा, और चोला मिल जाएगा, फिर जन्म होवेगा,
फिर मरण होवेगा।